नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे कर दें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। प्यारे बच्चों, पार्ट वन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था एम्प्टी रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है और ट्रांजिटिव क्या है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें, आप लोगों के पास ये जो वक्त है लॉकडाउन में घर बैठे हैं, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। एक एक वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, कोई भी डाउट है तो ज़रूर बताएं, कोई डाउट मैं होने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो बच्चों शुरू करेंगे आज की क्लास हम फिर से। यहाँ पर पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था लास्ट में इन तीनों रिलेशन के बारे में, कौन कौन से थे उसमें, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के बारे में बात किया था। ठीक है, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बात कर लेता हूँ। रिफ्लेक्सिव क्या मैंने बताया था कि इफ़ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पर देखिए ए, ये जो ऑर्डर्ड पेयर था कैसे लिखा था, ए कॉमा ए, तो मैंने आपको दो तरह से समझाया था कि रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है सेल्फ रिलेशन, खुद से खुद का संबंध। ठीक है, जो एक्स वैल्यूज होती हैं और जो वाई वैल्यूज होती हैं वो दोनों ही क्या होती हैं, सेम होती हैं। लाइक अगर कोई ऐसे लिखा हो 1 1 2 2, है ना, 3 3, इस तरह के जो सेट बन रिलेशन बनते हैं इनको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव कहते हैं, याद रखिएगा। सिमेट्रिक में मैंने बताया था कि सिमेट्रिक में क्या होता है कि इफ़ ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए। ठीक है, उसी को ए बी की जगह इन्होंने A1 A2 करके समझा दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने कई एग्जांपल लिया था कि जैसे ए बी का भाई है तो बी बी ए का भाई है। ठीक है, लाइक और अगर इसी को मुझे रिलेशन में दिखाना हो तो आर इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, जैसे लाइक 1 2 2 1, 1 3 3 1, इस तरह से चलता है, तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर लास्ट में लिखा जाता है फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि जो हम रिलेशन निकालते हैं वो उसी के एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या बताया था, ट्रांजिटिव में बताया था कि भाई यहाँ पे क्या होता है, इफ़ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, दिस इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी, तब ये क्या कहा जाता है, ट्रांजिटिव। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए और सी भी एक दूसरे के भाई होंगे, तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगर इसे रिलेशन में हम समझें तो इस तरीके से 1, 2 एंड 2, 3 एंड 1, 3, ये एक रिलेशन हो गया, तो इसको हम ट्रांजिटिव कह सकते हैं। आप ध्यान से देखो, ये ए बी हो गया, ये बी सी, और ये देखिए ए सी यहाँ पे हो गया ना, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये तो रही पिछले क्लास की बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब देखिए आगे है रिलेशन आर इन सेट ए इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। बात बिल्कुल सीधी सी है, कह रहा है कि ऐसा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाएगा, जिसे हम हिंदी में तुल्यता संबंध कहते हैं, अगर वहाँ पर हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही मिल जाएं, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको तीनों अलग अलग केस बताए ना, रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, इसके बारे में बात किया। तो अगर ऐसा रिलेशन जहाँ पर रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तीनों हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे, तो देखिए अभी जैसे मैंने बात किया था अलग अलग एग्जांपल लेकर के, ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों चीज़ें एक ही रिलेशन में आ जाए। कैसे तीनों चीज़ें एक ही रिलेशन में आ जाएंगी, वो हम अगले एग्जांपल में समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल टू आप देख रहे होंगे यहाँ पे, एग्जांपल टू में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन विद आर रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन को तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है, तो लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन आर रिलेशन इन टी गिवन बाय आर इज इक्वल टू T1, T2, T1 इज कांग्रुएंट टू T2, सो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए यहाँ पे T क्या कह रहा है, T है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, यानी कि सभी त्रिभुजों का समुच्चय है।
ठीक है, तो हमें इसे दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सबसे पहले हम इसे क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए। अब रिफ्लेक्सिव के लिए तो आपको मालूम है कि सेल्फ रिलेशन होना चाहिए, लाइक ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, ठीक है। तो जैसे एक त्रिभुज है ये ए बी सी, एक त्रिभुज क्या है ए बी सी, तो कोई त्रिभुज कांग्रुवेंट होने का क्या मतलब होता है, कांग्रुवेंट या जिसे हम हिंदी में सर्वांग सम कहते हैं, ऐसे दो ट्रायंगल जिनके सभी पार्ट एक दूसरे के इक्वल हों, ठीक है, सभी पार्ट अलग अलग। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब कोई भी पार्ट किसी से मैच करे, मैटर ये होता है कि सभी संगत भुजाएं या करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब अगर मैं एक ट्रायंगल मैंने एबीसी ले लिया, तो ये बताइए एबीसी, एबी तो इक्वल एबी होना ही है, एसी इक्वल एसी होना ही है, बीसी इक्वल बीसी होना ही है, कोई भी त्रिभुज है उसका कोई भी भुजा है या साइड है वो खुद के बराबर तो होगा ही ना। तो इसका मतलब है कि हम क्या एबीसी को एबीसी के कांग्रुवेंट कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपसे बताया कि भाई ये जैसे हमारा जो एग्जांपल टू था, यहाँ हमें दिखाना था कि ये जो टी क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है, हमें शो करना है कि ये आर जो बन रहा है कि वैलेंस रिलेशन है। तो अभी मैंने बताया कि भाई इक्विवेलेंस तब होगा जब रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, और रिफ्लेक्सिव के लिए हमें मालूम है कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सेल्फ रिलेशन होता है, यानी कि खुद से उसका संबंध होता है। तो जैसे मैंने एक ट्रायंगल अभी एग्जांपल के लिए लिया, यहाँ पे बोला कि ए बी सी है, भाई दो ट्रायंगल कांग्रुवेंट कब होते हैं, जब उनके करिस्पॉन्डिंग पार्ट या संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये ए बी है, अब अगर मैं दूसरा ट्रायंगल ले ही नहीं रहा हूँ तो ए बी तो ए बी के ही इक्वल होना है, ए सी ए सी के ही इक्वल, और बी सी बी सी के ही इक्वल होना है। तो इसका मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी ट्रायंगल, ज़रूरी नहीं कि ए बी सी हो, कोई दूसरा ट्रायंगल भी हो सकता है, वो खुद के कांग्रुवेंट ज़रूर होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक, आई बात आपको समझ में। आर इज रिफ्लेक्सिव, यहाँ पे भी इन्होंने एक लाइन में समझा दिया है आपको, कहा कि आर इज रिफ्लेक्सिव सिंस एवरी ट्रायंगल इज कांग्रुवेंट टू इटसेल्फ। बस आप ये लाइन याद रखो, ये जो मैंने ट्रायंगल लेके आपको समझाया, एग्जांपल लेके, कि आप अच्छे से समझ सको। बाकी ये कॉन्सेप्ट होता है कि हर ट्रायंगल खुद का कांग्रुवेंट होता है। तो जब खुद का ही कांग्रुवेंट है, यानी कि टी वन इज कांग्रुवेंट टी वन, है ना, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब बारी आई चेक करने की, क्या सिमेट्रिक, जिसे हम हिंदी में सममित संबंध कहते हैं और रिफ्लेक्सिव को स्वतुल्य कहते हैं। अब जैसे सिमेट्रिक में हमने क्या पढ़ा है अभी, ए कॉमा बी तो क्या होना चाहिए, बी कॉमा ए। तो हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल ले लिया, एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल ले लिया पी क्यू आर। अब आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इफ़ ए बी सी इज़ कांग्रुवेंट विद पी क्यू आर, देन डेफिनेटली पी क्यू आर ट्रायंगल विल बी कांग्रुवेंट विद ट्रायंगल ए बी सी, है ना। मतलब कहने का क्या है कि अगर ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सर्वांगसम है तो पी क्यू आर भी तो ए बी सी के होगा, बिल्कुल होना ही होना है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब बारी आई कांग्रुवेंट चेक करने की, तो इस बार हम क्या करेंगे, तीन ट्रायंगल ले लिए, एक ये ले लिए, एक ये ले लिए और एक ये ले लिए। हम इन्हें नाम भी दे दें चाहें तो, ए बी सी डी ई एफ एंड ये पी क्यू आर। अब ये इसके कांग्रुवेंट है और ये इसके कांग्रुवेंट है, तो बिल्कुल कॉमन सी बात है, ये वाला इसके भी कांग्रुवेंट होना ही होना है, यानी कि ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक है ना। भाई कांग्रुवेंट का मतलब यही ना कि बी सी इक्वल ई एफ रहा होगा, और इसके कांग्रुवेंट होने क्या मतलब है, ई एफ इक्वल क्यू आर रहा होगा, तो बी सी और क्यू आर भी तो इक्वल होगा, ए बी और पी क्यू भी इक्वल होना ही होना है, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब यहाँ पे जो कांग्रुवेंसी का रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, इसलिए ये क्या कहा जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो इसी को उन्होंने शब्दों में, मैंने बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में बता दिया, इन्होंने बड़े शॉर्ट में बताया है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। देखिए पहली चीज़ का तो इन्होंने इसी लाइन से क्लियर कर दिया रिफ्लेक्सिव के लिए, कि भैया एवरी ट्रायंगल इज़ कांग्रुवेंट टू इटसेल्फ, और टी वन टी टू बिलोंग्स टू आर, टी वन इज़ कांग्रुवेंट टू टी टू, देन टी टू इज़ कांग्रुवेंट टू टी वन, सिमेट्रिक हो गया, है ना। मोर एवर इसी तरह इन्होंने
ट्रांजिटिव के लिए दिखा दिया है। तो ऐसा कहीं भी जहाँ पे हमें तीनों एक साथ मिल रहे हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको इक्विवेलेंस समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल थर्ड भी समझ लेते हैं हम यहाँ पे। एग्जांपल थर्ड में कह रहा है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। किसी तल में एल क्या है? सभी रेखाओं का समुच्चय है। एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज एल वन एल टू, एल इज परपेंडिकुलर टू एल टू, शो दैट आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। अब यहाँ पर देखिए, जैसे पहले वाले के, जैसे इसके पहले का जो क्वेश्चन था वहाँ पे इन्होंने ट्रायंगल की बात किया था और कांग्रुएंसी वहाँ पे शो कर रहे थे। ठीक है, इस बार लाइन की बात है और हमें क्या दिखाना है? परपेंडिकुलर। अब अगर मुझे रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो जैसे कोई एल लाइन है तो क्या कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर होती है? बिल्कुल नहीं होती है, गलत होता है। हाँ, बल्कि कोई भी लाइन खुद के समांतर जरूर होती है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, यानी कि पैरेलल का केस हो तब आप रिफ्लेक्सिव कह सकते हो, क्योंकि कोई भी लाइन खुद की पैरेलल होती है, लेकिन कोई भी लाइन खुद की परपेंडिकुलर नहीं होती है, इसका याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता। तो पहली बात तो हमारा यही क्लियर हो गया, इसने यही तो कहा है कि दिखाइए कि सिमेट्रिक होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। आपको समझ में आ गया ना? इफ़ आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव एज अ लाइन एल वन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इट सेल्फ, कोई भी लाइन खुद की परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगी। अब अगर मैं बात करूँ सिमेट्रिक की, सॉरी वो रिफ्लेक्सिव की बात हो रही थी, ठीक है, जिसे हम स्वतुल्य कहते हैं। अगर बात करूँ सिमेट्रिक या सममित की, तो जैसे एक लाइन ये है, ठीक है, और दूसरी लाइन ये है। अब ये अगर ये मान लो इस लाइन को मैंने L कह दिया और इस लाइन को M कह दिया, या इनको L1 L2 भी हम कह सकते हैं जैसा इन्होंने अपने एग्जांपल में सॉल्व करके दिखाया है। अब अगर L परपेंडिकुलर M लिखूं हम मैं या फिर M परपेंडिकुलर L लिखूं, कोई फ़र्क नहीं है। परपेंडिकुलर या लंबवत का क्या मतलब है? बस इतना सा ही कि इनका जो है, इनका आपस में जो रिलेशन है एक दूसरे की, ये लंबवत है, यानी 90 अंश पर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हैं। अब हम अगर बात करेंगे किसकी? ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में देखिए, अब जैसे ये L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, तो L1 बिल्कुल भी परपेंडिकुलर नहीं होगा L3 के, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। कैसे? चलो सिंपली मैंने एक आपको दिखा दिया, मान लो एक लाइन ये है L1, इसके परपेंडिकुलर क्या है? ये L2 हो गया। ठीक है, अब L2 किसके परपेंडिकुलर है? L3 के। तो जाहिर सी बात है L3 कुछ ऐसा होगा तभी तो परपेंडिकुलर होगा। अब आप देखो ना, L1 और L3 कहाँ पर परपेंडिकुलर होंगे? ये तो पैरेलल जैसे दिख रहे हैं ना, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो एग्जांपल थ्री से भी क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अगर वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों नहीं है तो फिर वो इक्विवेलेंस नहीं है, किसी दो के होने से नहीं हो जाना है। ठीक है, चलो एग्जांपल फोर भी समझ लेते हैं। अब जो एग्जांपल फोर है हमारा, यहाँ पे कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इज़ गिवन बाय दिस इज़ रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। अब देखिए यहाँ पर तो इन्होंने खुद ही सेट हमें दिखा दिया है, हमें अलग से कुछ ढूंढना भी नहीं है, हमें शो करना है। जैसे वन टू थ्री का है सेट, इसी से इन्होंने रिलेशन निकाला है वन वन टू टू थ्री थ्री। तो आपको पता ही है रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए कॉमा ए, मतलब वन है तो वन वन होना चाहिए, टू है तो टू टू, थ्री है तो थ्री थ्री, तो तीनों ही मिल गए मतलब, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है। अब सिमेट्रिक की बात करूँ अगर, तो ये देखो वन टू है तो टू वन कहीं है ही नहीं, यानी सिमेट्रिक नहीं है। टू थ्री है तो थ्री टू भी नहीं है, यानी कि सिमेट्रिक तो नहीं है। अब ट्रांजिटिव नहीं है तो ट्रांजिटिव भी आप इसी तरह चेक कर सकते हो। अब आप देखिए जैसे वन 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 टू है, तो वन टू यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो वन टू टू थ्री, तो वन थ्री होना चाहिए, वन थ्री कहीं नहीं है ना, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। एग्जांपल फाइव में भी बिल्कुल इसी तरह हमको दिखाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एग्जांपल फाइव के बाद इन्होंने बात किया है, एक सेकंड, अब इन्होंने थोड़ा सा इक्विवेलेंस क्लास की बात किया है, हम थोड़ा समझ लें इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है इससे पहले। ठीक है, तो याद रखिएगा
An equivalence class is the name that we give to the subset of S which includes all element that are equivalent to each other. कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कोई रिलेशन है, ठीक है, अब उसमें आपने क्या पाया, उसको रिफ्लेक्सिव भी पा गए, सिमेट्रिक भी पा गए, ट्रांजिटिव भी पा गए, तो उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। अब जो ऐसे एलिमेंट्स जो आपस में एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं उन्हीं के सेट को हम इक्विवेलेंट क्लास कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या है, एन इक्विवेलेंस क्लास इज द नेम दैट वी गिव टू द सबसेट ऑफ एस विच इंक्लूड्स ऑल एलिमेंट्स दैट आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। अब जैसे मान लो कि अभी इसके पीछे भी हमने कई एग्जांपल देखे हैं, अब वहाँ पे दिया हुआ है कोई भी रिलेशन है जहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव भी मिल गया, सिमेट्रिक भी मिल गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब वो इक्विवेलेंट होंगे एक दूसरे के, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं आपस में जो एक दूसरे की इक्विवेलेंट होते हैं उन्हीं के सेट को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट क्लास कहते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट इज डिपेंडेंट अ स्पेसिफाइड रिलेशनशिप कॉल्ड एन इक्विवेलेंट रिलेशन। अब कैसे डिपेंडेंट है, अभी बताया है, डिपेंडेंट इसी पर है कि भाई रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तभी तो इस पर आएगा ना। तो देखिए यहाँ पर आपको अगर डाउट है तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल लेकर के इक्विवेलेंट क्लास आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, तो आपको तो ये देखिए यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लेकर के आया हूँ, आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा इक्विवेलेंट क्लास, बिल्कुल आप गौर से समझिएगा। कहता है सपोज एक्स वॉज द सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन प्लेइंग इन अ प्ले ग्राउंड। एक्स क्या है, ऐसे बच्चे जो प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं उनका समुच्चय है। अब इक्विवेलेंट को यहाँ जो आप सिंबल देख रहे हैं वैसे जो इक्विवेलेंट के लिए इक्वल भी आता है और ये भी कर देते हैं, दोनों तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये इफ़ दिस वाज एन इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर ऑफ द सेम एज। अब देखिए ये इक्विवेलेंट तो है पर बेसिस क्या है, हमेशा याद रखिएगा। अब जैसे मैंने अभी जब पिछला इससे पहले जो फर्स्ट एग्जाम्पल कराया था वहाँ पर हमको उन्होंने दिया ट्रायंगल के बारे में, बेसिस क्या दिया कि भाई वो कांग्रुएंट हैं, तो हमने चेक कर लिया कांग्रुएंट के लिए क्या है। फिर उन्होंने अगले क्वेश्चन में हमें लाइन दिया, बेसिस क्या दिया परपेंडिकुलर का, हमने चेक कर लिया परपेंडिकुलर के। तो मतलब ये होता है ना कि इक्विवेलेंट तो है लेकिन किस बेसिस पर इक्विवेलेंट है, हम चेक किस बेसिस पर कर रहे हैं। तो वही यहाँ पर हर क्वेश्चन में याद रखिएगा, हमें बेसिस ज़रूर मिलेगा। तो इन्होंने क्या कह दिया, दिस वॉज एन इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर ऑफ द सेम एज, मतलब एक जैसी एज का जो होगा वही इक्विवेलेंस होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास क्या क्या हो सकते हैं समझिएगा, बिल्कुल सिंपल है। क्लास वुड बी द सेट ऑफ ऑल 2 year olds एंड अनदर द सेट ऑफ ऑल 5 year olds। आई बात आपको समझ में, देखिए एक्स क्या है, एक्स जो है ये किसी प्ले ग्राउंड में खेलते हुए बच्चों का सेट है, समुच्चय है। अब जो किसी प्लेग्राउंड में है अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे होंगे, उसमें कोई 5 year का होगा, कोई 2 year का होगा, कोई 7 year का होगा, ऐसे होंगे ना। अब उनमें इक्विवेलेंस रिलेशन का किस बेसिस पर है, सेम एज का। तो अब देखिए जो इसके इक्विवेलेंट क्लास होंगे वो क्या बनेंगे, इक्विवेलेंट क्लास बनेगा सेट ऑफ ऑल 2 year olds, सेट ऑफ ऑल 5 year olds, सेट ऑफ ऑल 3 year olds, ऐसे बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सबसेट ही तो है ना इस एक्स के, ये सबसेट ही तो हैं, तो यही तो डेफिनेशन में समझाया गया था। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कहता है इफ एक्स वॉज द सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन आप जानते हैं जिसे बहुभुज कहते हैं, ऐसे जिनके 3 या more than 3 साइड्स होंगे, लाइक ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागॉन, हेक्सागॉन, ऐसे ढेर सारी होते हैं ना, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज। तो यहाँ पे कह रहा है एक्स क्या था, सभी पॉलीगॉन का सेट है एंड द इक्विवेलेंस रिलेशन वॉज डिफाइंड एज द सेम नंबर ऑफ साइड्स। देखा आपने, यहाँ भी इन्होंने बेसिस दे दिया ना, किस बेसिस पर आप इक्विवेलेंस चेक करेंगे कि सेम नंबर ऑफ साइड्स। भाई पॉलीगॉन तो सभी हैं, पॉलीगॉन एक ट्रायंगल को भी कहा जाता है, क्वाड्रिलेटरल को भी कहा जाता है, पेंटागॉन को भी कहा जाता है, लेकिन जो इन्होंने बेसिस दिया है क्या कहा है, सेम नंबर ऑफ साइड्स पे हमें इक्विवेलेंस चेक करना है। तो अब इसके इक्विवेलेंट क्लासेस क्या होंगे, आप देखिए इक्विवेलेंस क्लासेस जो होंगे सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, चूँकि ट्रायंगल कैसा भी हो, वो चाहे इक्विलेटरल हो, आइसोसेलस हो, स्केलन हो, साइड तो 3 ही होने हैं ना। फिर सेट ऑफ ऑल पेंटागॉन्स, अब पेंटागॉन्स कैसे हो, चाहे रेगुलर हो या इरेगुलर हो, साइड तो 5 ही होने हैं। तो ये इसके क्या हो गए, क्लास हो गए। तो इक्विवेलेंट क्लास आपको समझ में आ गया। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं,
चलिए अगला एग्जांपल क्या है, इफ एक्स इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर वी कैन डिफाइन द इक्विवेलेंस रिलेशन बाय सेइंग ए इज डिफरेंस बी इफ एंड ओनली ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 9 द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 वुड बी। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये यहाँ पे कैसे आप रिलेशन बताएंगे जहाँ पे उनका जो डिफरेंस है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से होना चाहिए। तो ये देख लीजिए, इंटीजर लेना है तो इंटीजर तो आप जानते हैं बहुत सारे होते हैं, उनमें से ये देखिए ऐसे इनके बीच का डिफरेंस लेके देख लीजिए किसी के भी बीच का, वो सभी 9 से डिविजिबल वाले ही आएंगे। तो ये जो उस सेट से ये जो सब निकल रहे हैं ये सबसेट ही है ना, और यही सबसेट क्या है, इक्विवेलेंस क्लासेस कहे जाते हैं। तो आई होप आपको इक्विवेलेंस क्लास अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ कि क्या है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पहले एक्सरसाइज में जो जो कंटेंट थे ज़रूरी, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस क्या हैं, इतना ही था। अब कल की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे यानी एक्सरसाइज 1.1। इसलिए बच्चों वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों में शेयर कर दिया करें, जो आपके दोस्त लोग हों जो पढ़ने लिखने वाले हों, उन जिनके काम का हो, ऐसे अननेसेसरी नहीं, ठीक है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए एक्सरसाइज के का। थैंक यू।